नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां आज हमारी टीम राजधानी लखनऊ के डालीगंज इलाके में साफ सफाई का जायजा लेने पहुंची, जहां डालीगंज वार्ड स्थित मोहन मेकिंग रोड के निवासियों ने समस्याओं का अंबार लगाते हुए कहा कि यहां पर ना तो साफ सफाई के लिए कोई टीम आती है और ना ही पीने योग्य पानी है। बमुश्किल पानी की टंकी लगी थी जो लगभग 5 वर्षों से डैमेज व फटी हुई है, और जो टोटी पानी की लगी भी है वह बहते सीवर नाले के पास लगी है, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। इलाके के तमाम लोगों से हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने जाकर उनका दर्द जाना। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के डालीगंज इलाके में मौजूद हैं, और नगर निगम का इलाका कहलाता है डालीगंज वार्ड है, और यहाँ के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा हैं। और इस जगह जो समस्याएँ हैं, उस समस्याओं को बताने के लिए हमारे साथ काफ़ी इलाके के लोग हैं। सबसे बड़ी समस्या जो हम आपको कैमरे में दिखाना चाहेंगे, वो यहाँ पर एक पानी की टंकी लगाई गई है, और वो पानी की टंकी किस तरीके से पिचकी हुई है, यानी ये लगता है देखकर कि कई सालों से टंकी पानी की बंद पड़ी है। अब लोगों को पेयजल की व्यवस्थाएं कैसे हो पाती हैं, ये तो सोचने वाली बात है। फिलहाल ये किसी पूर्व पार्षद ने, यहाँ के जो निवासी हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि तकरीबन 6 या 7 वर्ष पहले यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की गई थी, प्याऊ की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि ये सार्वजनिक पानी की टंकी लगी हुई है। लेकिन अगर यहाँ के लोगों की बात करें, जो इलाके के लोग हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर पानी की सप्लाई बहुत ही गंदा पानी आता है, जिससे कहीं ना कहीं ये लोग बीमार हो जाते हैं। कुछ महिलाएं बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। एक बार ये माताजी हैं, माताजी से पूछते हैं, माताजी बहुत दिन से आप यहाँ पर रह रही हो, पानी वानी पीने में समस्या होती है? पानी पीने वाली समस्या तो बहुत खराब है। तो यहाँ कोई पार्षद वार्षद आता है पूछने? कोई नहीं। कोई नगर निगम का अधिकारी? कोई नहीं आया। कोई नहीं आते भैया, कोई यहाँ कोई नहीं आता भैया। आप लोगों ने कभी किसी से कहा कि हाँ ये समस्या है? हाँ, इसमें समस्या यहाँ पर नगर आयुक्त भी बैठते हैं, अपर नगर आयुक्त बैठते हैं, क्या किसी के पास समस्या लेकर के आप गई अपनी? नहीं, यहाँ आए तो हम लोग कहे टंकी के लिए, कहे हम लोग आए तो नहीं, तो पानी पानी बोरा सवा सात जो भाई हैं उनके पास हम लोग गा लाने, बोरा विधायक हैं, हाँ, तो उनके पास हम लोग गा लाने। अच्छा, तो कहें कि देखा जाए, देख रहे हैं बोरिंग कहाँ करा जाए, कहाँ, तो अब देखा करते का तो या पीसीएस बोल रहे हैं, आते नहीं देखने का। मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं जिनको इस पानी की टंकी से पानी मिलता है पीने को? इतने भाई 50-60 जानी है इधर का। अच्छा, अभी समस्या ये है सबसे बड़ी कि यहाँ पर जो पेयजल की व्यवस्था है इस पानी की टंकी से होता था, क्योंकि बोरिंग से जो पानी निकलता वो कहीं ना कहीं साफ पानी था। अब इनको आरओ का वाटर नहीं मिल सकता, लेकिन जो जलकल की व्यवस्था है, जिस तरीके से यहाँ से पानी की सप्लाई है, वो पानी की सप्लाई कहीं ना कहीं सीवर मिक्स हो जाता है, सीवर युक्त पानी आता है, तो उससे कहीं ना कहीं बीमारी फैलती है। अब एक बार हम आपको इलाका और भी दिखाते हैं, पीछे कहेंगे अपने कैमरामैन से कि दिखाएं कि कितनी गंदगी नाली में भी भरी हुई है। आप देख सकते हैं सामने, ये पूरी तरीके से यहाँ पर ना तो नगर निगम कोई साथ दे रहा है, ना नगर निगम के कोई अधिकारी इस चीज़ को देखते हैं। अगर बात की जाए तो ये इलाका नगर निगम का ही कहलाता है, और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, संचारी रोग फैला है। संचारी रोग की रोकथाम के लिए यहाँ पर कोई अधिकारी आया या नहीं आया? हमारे साथ कुछ और लोग भी बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है। कोई भी अधिकारी नगर निगम का यहाँ पर साफ सफाई के लिए आया किसी लिए? कोई कुछ साफ सफाई के लिए नहीं आया। अभी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही वो क्या है? अभी तो सिर्फ पानी की समस्या ज़्यादा है। पानी की समस्या, हाँ, बहुत ज़्यादा समस्या है। अब ये बीमारी फैल रही पानी से, और जो है मच्छर भी बहुत काट रहे हैं, वो पानी में इतना गंदा सी पानी आ रहा है जिसकी कोई समस्या नहीं। कहाँ से हम लोग पानी लेने जाते हैं? कितना मतलब पानी लाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कितनी दूर सफ़र तय करना? कम से कम जो है बहुत दूर जाना पड़ता है, कहीं पुल उस पार जाना पड़ता है। पानी की सप्लाई भी यहाँ पर होगी? पानी की सप्लाई में पानी अच्छा ही नहीं, पानी साफ नहीं आता, मट्टी आती बिल्कुल, कीड़े निकलते हैं उनमें से। कई लोग आए, उसकी जांच भी ले गए, लेकिन जो है उसमें जो है कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। हालांकि यहाँ के इलाकों के जो लोग हैं, इलाकाई जो निवासी हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पानी यानी पेयजल की व्यवस्था यहाँ समुचित रूप से नहीं की जा रही है। यहाँ पर एक हैंडपाइप लगा हुआ है, आप कैमरे में देख सकते हैं कि ये हैंडपाइप भी ख़राब है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये हैंडपाइप में भी पानी नहीं आता, तो इनको पानी लेने के लिए काफ़ी दूर जाता है। हैंडपाइप में पानी आता है माता जी? ज़रा चलाइए हैंडपाइप, देखें ज़रा इसमें पानी आ रहा है? चलता भी नहीं है। रुकिए, देखिए, तो ये हैंडपाइप है और हैंडपाइप टूटा भी है, तो ये बड़ी समस्या है लखनऊ में, और इस पर नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि ये नगर निगम के एरिया में आ रहा है, लगभग 9 साल से नल लगा हुआ है यहाँ पर, तो इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है? हालांकि लखनऊ नगर निगम की अगर बात की जाए, तो नगर आयुक्त इस बात को लगातार कहते हैं कि नगर में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसको उपलब्ध कराएंगे, जिसके वजह में लखनऊ वासी अपना हाउस टैक्स भी भरते हैं, पानी का भी टैक्स देते हैं और सीवर का भी टैक्स देते हैं। ऐसे में जनता को वो बुनियादी सुविधाएँ क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब आप देखिए कि हम डालीगंज के ही वार्ड में दूसरी जगह पर आ रहे हैं, दूसरी कॉलोनी उसी इलाके में पड़ती है, और इस पानी टंकी का हाल आप देखिए,
इस तस्वीर को आप देखकर ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए नगर निगम अपनी आंखें क्यों बंद कर रखा है। अब इस नल को देखिए, इस नल जहां पर लगा हुआ, जूम करके आप दिखाइए कि ये पीने के लिए पानी यहां पर लगा हुआ है। पानी हालांकि आ रहा है लेकिन इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो गंदगी बह रही है। तो ये पानी पीने योग्य कैसे है, किस तरीके से टोटी यहाँ पर लगाई गई है और गंदगी का पूरा अंबार आप एक देख सकते हैं कि इस कैमरे में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये लखनऊ नगर निगम की सच्चाई है डालीगंज वार्ड की। अभी इस तरह की सच्चाई हम आपको पूरे लखनऊ में दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे जानते हैं कि दादा आप कितने साल से आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं। अरे जन्म से रह रहे हैं। जन्म से रह रहे हैं। अब आप सोचिए, अब इस समस्याओं को बताइएगा, जो समस्या अभी मूलभूत समस्या पानी की है वो कब से उत्पन्न हो रही है? अभी जो है कि गर्मी से हुई है और गुड्डा भैया के पास गए जो पार्षद यहाँ पे है, काम कर रहा है, और वो कह रहा मेरे पास बजट नहीं है। और जबकि पार्षद भाजपा का, मेयर भाजपा का, और MLA भाजपा का, सांसद भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का, प्रधानमंत्री भाजपा का और राष्ट्रपति भाजपा का कहता मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास बजट नहीं, कैसे इसको लगवाऊं? आखिर इसको कौन लगवाएगा? इसको कौन लगवाएगा? नगर निगम लगावे या पार्षद अपने कोटेस लगावे, सभासद, ये MLA लगावे, सांसद लगावे? लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए ये? और कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। और अभी गली में ही देखो बनवा गया यहाँ, और कह रहा है कि जब डालीगंज में कोई काम होगा तो ये काम हो जाएगा, और यहीं वो काम लगवा गया, बनवा गया ये। अच्छा। गुड्डा, हाँ, घनश्याम दास और गुड्डा भैया सभासद है वो, और इसके लिए जो है कह रहा मेरे पास बजट नहीं है। तो पानी ज़्यादा, पानी कहाँ से मिल रहा, कैसे पी रहे हैं पानी, कहाँ से? नहीं, अब यही से पीते हैं पानी। अच्छा। यही पानी टंकी शुरू हो जाए तो कुछ आराम मिलेगा? बिल्कुल आराम मिलेगा। देखिए एक और माता जी आई हैं और ये भी अपनी कुछ समस्या लेके आए। अम्मा आप यहाँ पर रह रहे हो बहुत दिन से, क्या समस्या आ रही है? पानी वानी पीने में दिक्कत है, पानी पीने में समस्या हो रही है? चलिए, माता जी बोल नहीं पा रही लेकिन ये अपनी समस्या को लेकर के आई थी, इनके मन में वो भावना थी। अभी हमारे साथ जो बुजुर्ग बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, क्षेत्रीय यहाँ के जो सांसद है, जनप्रतिनिधि, वो भारतीय जनता पार्टी के, यानी पूरा अमला, पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का, उसके बावजूद भी ये इलाका अछूता क्यों है? यहाँ पर वो मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं है? यहाँ पे गंदगी अभी भी उस तरीके से अंबार गंदगियों का लगा हुआ है। संचारी रोग चल रहा है लगातार, लखनऊ नगर निगम में स्वच्छता सेवा अभियान चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये इलाका अछूता क्यों है? तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस इलाके में खबर चलने के बाद अब प्रशासन जगता है या उसी तरीके से अपनी आँखें मुँह दे रखता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रितेश श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।